आज हम अपने ऑस्कर फिश केयर की टिप्स के बारे में बात करेंगे। ऑस्कर फिश केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे आज हम अपने। वेलकम टू आशा पेट केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर फिश के आज हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले में आता है एक्वेरियम, दूसरे में वाटर, तीसरे में फिल्टर, चौथे में आता है आपका फूड, और पाँचवें में आता है आपका बेस्ट क्वालिटी का लाइट, और छठे में आता है आपका मेडिसिन। सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे एक्वेरियम के। ऑस्कर फिश को किस माहौल में रखना चाहिए, एक्वेरियम के कितने बड़े एक्वेरियम में रखना चाहिए। सबसे पहला एक्वेरियम यही होना चाहिए कि आपका जो एक्वेरियम है वो टू फीट से बड़ा ही होना चाहिए। 2 फीट से छोटे एक्वेरियम में आपकी ऑस्कर फिश ग्रो नहीं कर पाएगी ज़्यादा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सामने मेरे जो ऑस्कर फिश है, एक का साइज़ थोड़ा छोटा है, एक का बड़ा है, इसी हिसाब से थोड़ा ग्रो करने में टाइम लगाएगी। दूसरे पे आ जाते हैं हमारा वाटर क्वालिटी पे। अगर आपके पास ऑस्कर फिश रख रहे हैं आप, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहना चाहिए। आप वीक में एक बार पानी ज़रूर चेंज करिए, या 3 या 4 दिन में आप पानी ज़रूर चेंज कर सकते हैं। उसमें एंटी क्लोरीन ज़रूर डालिएगा अगर आपके क्लोरीन वाला पानी आ रहा है तो, और नहीं तो अगर आपके पास क्लोरीन नहीं है तो 2 दिन रोक करके आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे क्लोरीन उड़ जाता है। तीसरे पे आते हैं हम फूड जो हमको देना है ऑस्कर फिश को, वो हमको अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट फूड देना है। इससे ये होगा कि हमारे जो ऑस्कर फिशेज हैं उनको ग्रोथ होने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो ऑस्कर फिश होती हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फूड दे सकते हैं, और नॉर्मली जो हम फूड देते हैं कुछ भी पैलेट दे सकते हैं, ड्राई श्रिम्प्स या श्रिम्प्स दे सकते हैं जो फिश मार्केट में मिलता है, आप उसको क्लीन करके दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। जो बेबी फिशेज होते हैं, जो स्मॉल फिशेज होते हैं, जो फिश मार्केट में कच्ची मिलती है, आप वो भी दे सकते हैं, या आप चिकन हार्ट, चिकन लीवर कुछ भी दे सकते हैं, ये अच्छे से कंज्यूम करेगी। पाँचवीं पे आते हैं हम हमारी एक्वेरियम लाइट पे। जैसे आप लाइट देख रहे हैं कि इनको ज़्यादा लो वाली लाइट नहीं चाहिए, नॉर्मली लाइट पर चल जाती हैं, इसीलिए आपको उसमें ध्यान देना होगा कि इसकी जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छे से देखनी होगी। और जो आप एक्वेरियम के अंदर जो आप डेकोरेशन करते हैं उनमें उनको हाइडिंग स्पेस ज़रूर देना होता है। इससे ये होता है कि आपकी फिशेज को थोड़ा छपने की जगह भी मिल जाती है जो छोटी फिशेज होती है, और जो बड़ी फिशेज होती है वो ज़्यादा उसको अटैक नहीं कर पाती है। जैसे कि मैंने ये रख रखा है कि बीच में पाइप रखा हुआ है, साइड में एक मटकी है, नॉर्मली इनको हाइडिंग स्पेस चाहिए होता है। और साथ के साथ जो इनका ग्रुप में जो रखते हैं हम, जो इनका एक्वेरियम मेट्स होते हैं, आप ऑस्कर फिश के साथ पैरेट रख सकते हैं, फ्लावर रख सकते हैं, और आप अरवाना भी रख सकते हैं, ये आराम से रह जाएंगे, जैसे मैंने देख सकते हैं आप ये सामने, और ये कई सारी फिशेज के साथ रह सकती हैं। जब चिकलेट वैरायटी की फिशेज हैं, जो बड़ी फिशेज हैं, जो उनके माउथ से बड़ी हैं, जो सर्वाइव कर सकती हैं, आप वही वाली रखिएगा, नॉर्मली कोई दूसरी वैरायटी की ना रखिएगा। आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए आशा पेट केयर।